मुंबई पुलिस का एक ऐसा जवान जो 18 से 20 घंटे तक लगातार इस कोरोना महामारी में जूझ रहे हैं, अब उनसे बात करेंगे। सर, आज प्रवासी मजदूरों को भेजा गया है, अगर मीरा भाई दल की बात करें, सिर्फ एक ही नाम आपके नाम जुबान पे लोगों को बराबर है। अभी जो लॉकडाउन का पीरियड है और जो सब्जी की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो अभी जो सुविधाएं प्रोवाइड किया है उसका हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने और एमबीएमसी ने जो उनको बसेस प्रोवाइड किए हैं, ये बसेस से हम लोग मजदूर को लेके वसई रेलवे स्टेशन उनको अच्छा तरह से छोड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ है संदीप कदम जी थे, जो यहाँ के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं। एक बस है जिस बसों द्वारा इन मजदूरों को खाने पीने की सामग्री मुहैया कराई जा रही है, ताकि जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठ कर जब अपने घर के लिए जाएं। असर क्या कहना चाहेंगे इन मजदूरों के लिए, क्या कुछ तैयारी हम सभी शिवसेना के हमारे नगर सेवक राजू भाई भोई, प्रताप जी सरनाई, हम लोग दिन रात के भीषण सिंह जी, मेरे छोटे भाई संदीप सिंह जी, लोग लगे हुए हैं, बस सेवा कर रहे हैं, श्रमिकों का सेवा कर रहे हैं। पूरे जो जितने भी उत्तर प्रदेश में जाने वाले भी जौनपुर के श्रमिक है, ये बस ऐसे ट्रेन पकड़ेंगे, उनको जो है सेवा हमारा शासन द्वारा और शिवसेना द्वारा किया जा रहा है, हमारे प्रथम फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। जात धर्म पंथ प्रांत मजहब से ऊपर उठ के श्रमिकों के सेवा में पूरा महाराष्ट्र, पूरा शिवसेना लगी हुई है। और जो लोग जो है गड़बड़ सड़बड़ गलत राजनीति कर रहे हैं, तो जमीनी हकीकत आप लोग देखिए जो है कि किस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र शासन काम कर रही है। तो किस तरीके से शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है, ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि मजदूरों को खाने पीने की सामग्री साथ में फ्रूट और दूध मुहैया कराया जा रहा है, ताकि इन्हें सफर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। मुंबई से सूरज यादव के साथ मुरारी सिंह, साज एक्सप्रेस, मुंबई।